जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं जो वर्गीकरण से ही संबंधित है, द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको देखने के पहले, सुनने के पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे अगला वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं। पहला है स्टैंडर्ड एंड श्योरली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखेंगे यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हमारी हेडिंग है द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसका? प्लांट्स का एंड एनिमल, जंतु और वनस्पति और जंतु का। इट इन्वॉल्व द नेमिंग एंड ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ टू नेम्स। इसके अंदर क्या होता है कि दो नेम होते हैं, द जीनस नेम फर्स्ट एंड द स्पेसिफिक नेम, साइंटिफिक स्पीसीज नेम सेकेंड। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, आपने देखा होगा ये आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो ये कैसे मैंगीफेरा इंडिका बना देखेंगे इसमें, ये इसका साइंटिफिक नेम है आम का, यहाँ से यहाँ तक ये मैंगीफेरा इंडिका इन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसे पहले इसके बारे में। जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जानरे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया था। सर्वप्रथम जो ये नाम देने का सिस्टम था ये जानरे ने स्टार्ट किया था, लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान जो है वो स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस का है। तो नाम याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस, ये स्वीडिश देश के रहने वाले थे। ये कैरोलस लीनियस ने 1708 से 1778 ईस्वी का है ये। इन्होंने अपनी कई किताबें लिखीं, उन किताबों के माध्यम से ये बताए कि किस प्रकार से लीनियस ने अपनी पुस्तकों में, जैसे जेनरा प्लांटेरम एक बुक ये है, जेनरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी दूसरी इनकी किताब है, इन किताबों में इन्होंने बताया कि कैसे क्लासेस प्लांटेरम, एक और बुक है इनकी क्लासेस प्लांटेरम, यहाँ देखेंगे क्लासेस प्लांटेरम ये किताब, एवं फिलोसफिया बॉटनिका, फिलोसफिया बॉटनिका नाम फिर से सुनेंगे, जेनरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलोसफिया बॉटनिकम में जीवधारियों के वर्गीकरण पर कैरोलस लीनियस ने विस्तृत रूप से बताया था। और इनके इसी वर्गीकरण के कारण ही इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के पिता कहते हैं। आगे चलते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो किंगडम, टू किंगडम में डिवाइड किया था, बांटा था। पहला प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। मैंने किंगडम के बारे में पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था, जो लोग नहीं देखे होंगे वो पिछला वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको ये किंगडम का डिवाइडेशन आर.एच. व्हिटेकर के पांच किंगडम का पता चलेगा। तो जिसमें और अन्य किंगडम जोड़े गए थे बाद में, तो उनका भी उसमें जिक्र है, लेकिन यहाँ पे जो कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम बताया था वो दो किंगडम ही बताया था, एनिमल और प्लांट किंगडम। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एनिमल और प्लांट किंगडम में विभाज किया था। इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई उसे ही आधुनिक वर्गीकरण मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम की नींव पड़ी कैरोलस लीनियस के द्वारा। इसीलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो आपने इतना जान लिया कि वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण के ये पिता कहे जाते हैं, और इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आगे चलेंगे, जीवों के नामांकन की पद्धति क्या है, जो मैंने बताया कि नामांकन की पद्धति कैसे है ये देखेंगे। सन 1753 में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति, इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार
प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी जीव है तो उसके दो नाम होते हैं, एक साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, जैसे कि पूरे जितने भी साइंस जानने वाले हैं या चाहे अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, श्रीलंका का हो, कहीं का भी हो, तो वो वैज्ञानिक जो है उन जीवों का नाम, वो उनके जितने भी जीव हैं उनका दो नाम होता है, एक तो निक नेम, लोकल नेम, जो हर जगह उनका अलग अलग नाम होगा, लेकिन एक साइंटिफिक नेम होगा जो पूरे जितने भी चाहे वो इंडियन हो या चाहे विदेशी हो, कोई भी हो, तो उनको वो साइंटिफिक नेम से वो पहचाने जाते हैं। आपको ये चीज़ें जाननी होंगी कि दो नाम होते हैं। आते हैं फिर, अब आते हैं कि जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से, यहाँ पे देखेंगे लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें जो पहला शब्द होता है वो जेनेरिक नेम होता है, जीनस, तथा दूसरा शब्द जो होता है वो जाति का नाम होता है। पहला क्या होता है हिंदी में वंश, और इंग्लिश में जीनस से होता है। दूसरा शब्द जो बनता है वो जाति नाम से होता है, स्पेसिफिक नाम होता है कि वो किस जाति से होगा, तो स्पीसीज का नाम होगा, स्पीसीज नेम कहलाता है। याद रखिएगा, किसी भी जंतु या वनस्पति का पहला नाम, पहला जो उसका पहला शब्द का पहला जो शब्द आता है उसका नाम जेनेरिक होता है जीनस से, और दूसरा जो जाति होती है वो स्पीसीज दूसरा नाम आता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उसका वर्गीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये थोड़ा मॉडर्न है कि इन दोनों के बाद जो इसको क्लासिफाइड किया जाता है वैज्ञानिक, उसका नाम लिखा जाता है, लेकिन प्रायः ये सभी जंतुओं या जीवों के नामों में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। लेकिन आप जानते रहिए कि अगर ऐसा कोई मिलता है तो आप ये जानिएगा कि वो उसका दूसरा नाम है। अब आते हैं कि वैज्ञानिक नाम, यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, स्पीसीज नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उसका वर्गीय वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जात को खोजा या जिसने इस जात की सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया, उसका अंत में नाम लिखते हैं। इस प्रकार से अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मनुष्य का देखेंगे वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैम्पियंस लिन, तो होमो इसका जाति वंश है और इस सैपियंस इसकी स्पीसीज है, और लिन चूंकि लिनियस ने इसे खोजा था इसलिए इन्होंने अपना नाम LIN लिन करके अपना सिक्वेंस नाम में दिया है। तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैम्पियंस। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैम्पियंस है। फिर से सुनेंगे इस लाइन को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैम्पियंस है, और इसी वंश और जाति, जीनस और स्पीसीज से साइंटिफिक नेम बनते हैं। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे ध्यान देंगे, लिन वास्तव में लिनियस का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सैम्पियंस नाम से पुकारा था, तो इस प्रकार से हुआ। अब उदाहरण के लिए, मानव का वंश होमो में जबकि उसका विशिष्ट नाम सैम्पियंस है, तो इस प्रकार मानव का द्विपद या वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, होमो सैम्पियंस। यहाँ पे देखेंगे ये वैज्ञानिक नाम पूरा का पूरा इसका हो गया होमो सैम्पियंस। रोमन लिपि में लिखते समय दोनों नामों में से वंश का नाम पहला अक्षर बड़ा कैपिटल लेटर में, याद रखिएगा ये नियम है, जबकि विशिष्ट नाम जो स्पीसीज का नाम होता है, या कह सकते हैं यहाँ पे देखिए सेकेंड नाम है, ये विशिष्ट नाम पहला अक्षर उसका स्मॉल लेटर में होगा। जो स्पीसीज का देखिए यहाँ पे, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि, या होमो में देखेंगे यच जो है वो कैपिटल लेटर में है और सैम्पियंस में यस है जो स्मॉल लेटर में, तो यही कह रहा है कि जो पहला वंश का नाम होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा और जो स्पीसीज का पहला अक्षर होगा वो स्मॉल में होगा। तो इस प्रकार से हम ये दोनों देख लेंगे, होमो सैम्पियंस ये वैज्ञानिक नाम हो गया। आते हैं इनके इसमें क्या क्या नियम हैं, नियम देखेंगे।
यहाँ नीचे आएंगे, ये देखिए द्विनाम पद्धति के नियम। तो द्विनाम पद्धति के नियम कौन कौन से हैं ये हम जानेंगे। जीव के लैटिन भाषा में लिखा जाता है, सबसे पहला जो नियम है वह यह कि जीवों का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जैविक में पहला शब्द वंश का तथा दूसरा शब्द जाति का होता है। पहला याद रखिएगा, पहला शब्द जो होता है वो जीनस से बनता है, दूसरा शब्द जो बनता है वो स्पेसीज से बनता है। यहाँ पे ये वंश और ये स्पेसीज का होता है। जैविक नाम जिसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं के तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि इसको लैटिन वर्ड प्राय तिरछा लिखा जाता है, तो तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। लेकिन चूंकि हम सब लैटिन वर्ड सभी के लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए या इसको रेखांकित कर देंगे। मतलब जैसा मैंने अभी लिखा है, देख रहे हैं वंश और जात के नीचे अंडरलाइन किया है, तो ऐसे ही दोनों नाम लिखने के बाद आप भी क्या करेंगे, जैसे कोई नाम लिखा होमो सैपियंस लिख दिया आपने, तो उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। वंश का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर के रूप में तथा जाति का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। ये एकदम याद रखिएगा कि जो जीनस होता है उसका, उस शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल में और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में। स्पीसीज बाद में आता है, जीनस पहले आता है, और दोनों को कंबाइंड रूप से अलग अलग शब्द लिखे जाते हैं, और दोनों को मिला करके ही साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम या द्विनाम पद्धति होती है। चलते हैं आगे। यहाँ पे अब हम लोगों ने नियम देख लिया, द्विनाम पद्धति के नियम हो गए। अब कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम भी देख लिया जाता है। आते हैं सबसे पहले मनुष्य का। मनुष्य का देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, आप इसको लिखने के बाद ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। तो होमो जीनस और स्पीसीज, आपसे कोई पूछे कि मनुष्य का जीनस क्या है, तो होमो और स्पीसीज क्या है, सैपियंस। मेढक, फ्रॉग, राणा, टिग्रीना, देखिए दो नामों से मिलके कैपिटल लेटर, देखिए राणा में आर कैपिटल और टिग्रीना में टी स्मॉल, स्पीसीज का दूसरा लेटर स्मॉल। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, जानते होंगे आप सभी फेलिस डोमेस्टिका, ये वैज्ञानिक नाम है। डॉग का कैनिस इंडिकस, यहाँ पे ध्यान देंगे कैनिस इंडिकस, और यहीं पे काऊ का भी देखेंगे तो बॉस इंडिकस। मधुमक्खी का हाउस फ्लाई घरेल, मस्का डोमेस्टिका, मक्खी का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, यहाँ पे देखेंगे इसको भी ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, मस्का डोमेस्टिका। आम का तो आप जानते ही हैं, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। धान का राइस जिसे बोलते हैं, राइस का ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा ट्राइटिकम, ट्राइटिकम का होगा गेहूं सटाइवा। वीट का होगा ट्राइटिकम एस्टिवियम, और मटर का सबसे जो कॉमन है, खूब अधिक पूछा जाता है, वो मटर का पी का पाइसम सटाइवम। और इस प्रकार से आप द्विनाम पद्धति और द्विनामकरण पद्धति, इसके फादर थे कैरोलस और इसके फादर थे लिनियस, याद रखिएगा कैरोलस लिनियस। जय हिंद, वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।